हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, हमारे खान पान और डेली रूटीन के चलते बहुत ही कम समय में सफ़ेद बाल और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स आम हो चुकी है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए या बालों को कलरफुल करने के लिए मेहंदी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम आपको मेहंदी लगाते वक्त ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा आप हो जाता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि मेहंदी लगाते वक्त ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, अगर आप मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो आप मेहंदी में कभी भी नींबू का रस ना डालें, क्योंकि नींबू का रस बालों को सिल्की बना सकते हैं, मगर नींबू में पाई जाने वाली ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हमारे खूबसूरत बालों को रूखा बना सकती है, इसलिए आपको मेहंदी में नींबू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप अपने बालों पर मेहंदी लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, मेहंदी से पहले आप भूल कर भी तेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से पहले आप अपने बालों पर ऑयल भूल से भी ना लगाएं, क्योंकि बालों में ऑयल लगा रहने से एक उसमें लेयर बन जाती है, यानी कि एक परत बन जाती है जो मेहंदी के रंग को बालों में चढ़ने से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको मेहंदी से पहले बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि अगर आप मेहंदी का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मेहंदी को कम से कम 8 से 9 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी को कम समय के लिए भिगोते हैं तो आपके बालों पर ये बहुत ही कम असर दिखाएगा। आप अगर मेहंदी को कभी भी भिगोते हैं तो इसको रात के समय में ही भिगोएं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप रात में मेहंदी को भिगोएं और सुबह इसका यूज़ कर लें, अपने बालों पर अच्छी तरह से लगा लें। और फ्रेंड्स, एक बात का खास ख्याल आप ये भी रखें कि जब भी मेहंदी को आप भिगोए तो किसी लोहे के बर्तन में ही भिगोए, तो फ्रेंड्स ये आपको ज़्यादा असर दिखाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लोहे के बर्तन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि मेहंदी के रंग को और भी ज़्यादा गाढ़ा काला कर देता है, जो हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप खास ख्याल रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि कई लोगों को देखा गया है कि वो अपनी मेहंदी में अंडा मिलाकर अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडा बालों को ख़राब कर सकता है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि अंडे में जो प्रोटीन होते हैं वो मेहंदी के प्रोटीन के साथ बन जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स ये आपके बालों को सही से पोषण नहीं दे पाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप खास ख्याल रखें। फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप कभी भी मेहंदी को भिगोते हैं तो इसको कभी भी नॉर्मल पानी में नहीं भिगोना चाहिए। मेहंदी को हमेशा चाय या कॉफ़ी के पानी में ही डुबाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके बालों का कलर और भी गहरा हो जाता है और मेहंदी में अधिक निखार आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल पानी में अपनी मेहंदी को भिगोएंगे तो ये आपको ज़्यादा असर नहीं दे पाएगा और मेहंदी लगाना आपका वेस्ट जाएगा। इसलिए खास ख्याल रखें कि जब भी आप मेहंदी को भिगोएं तो उसको चाय या कॉफ़ी के पानी में ही भिगोएं, जिससे कि आपके बालों को ये और अधिक आकर्षक लुक दे सके। तो फ्रेंड, जाना आपने कि मेहंदी लगाते वक्त हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, ये सब करने से हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा अप हो जाता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।